हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो इस वीडियो में हम आपके साथ दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कुछ वैकेंसीज हैं वो शेयर करेंगे। उसमें से एक प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है एक रेस्पेक्टेड सीबीएसई स्कूल में। वहाँ पे सैलरी जो है वो नेगोशिएबल है, वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा क्वालिफिकेशंस पे, आपकी करंट सैलरी पे। बट ये क्लियरली उन्होंने मेंशन करा है कि जो भी प्रिंसिपल होंगे उनको वहीं पे एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा उनकी फैमिली के साथ, जिससे उनको वहीं पे रहना होगा। दूसरा जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए और कुछ सीनियर टीचर्स के लिए। तो ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही अगर आप पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे हम काफ़ी सारी वैकेंसीज डालते हैं और वो आप तक पहुँचती रहेंगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है उसकी बात करते हैं, और ये न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट था कल, यानी 10 सॉरी कल क्या तारीख, 11 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो वहाँ से ये रेफरेंस लिया गया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मेंशन है प्रेस्टीजियस सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद मेपल बियर कैनेडियन अर्ली स्कूल लर्निंग प्रोग्राम लोकेटेड इन साउथ गुजरात। तो ये गुजरात में है वैकेंसी। विद ऑल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सीक्स अ डायनामिक हाईली मोटिवेटेड एंड चैलेंज ड्रिवन प्रिंसिपल। तो अच्छा स्कूल है, काफी अच्छा ये कैंपस है उनका। सैलरी जो है वो यहाँ पे नेगोशिएबल लिखा हुआ है। फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, मतलब फर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा फैमिली के साथ, और प्रिंसिपल को कैंपस में ही रहना होगा। तो ये भी इसमें मेंशन है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में बीएड होना चाहिए और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज अ पीजीटी। साथ में आपको 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी चाहिए, या तो एज अ वाइस प्रिंसिपल या फिर एज अ प्रिंसिपल। तो इन दोनों में से किसी में भी अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 45 से 55 के बीच में, बिटवीन 45 to 55, ये एज लिमिट होनी चाहिए, मतलब इसी एज ब्रैकेट में आप होने चाहिए। और आपने अप्लाई करना है विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो ये 11 नवंबर को आया है, 10 दिन का मतलब है आप 21 तारीख तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आप उसके पहले कर दें तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। और उसके लिए आपने अपना डिटेल्ड रिज्यूमे ईमेल करना है इस ईमेल आईडी पर demg@modiedutech.in। जी ये है चंदर बाला मोदी एकेडमी, GGL टाउनशिप अंकलेश्वर में है ये, डिस्ट्रिक्ट भरूच में। भरूच पड़ता है सूरत और बड़ोदरा के बीच में, जब आप अहमदाबाद से सूरत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये लोकेशन है इसका, हाईवे के ऊपर पड़ता है भरूच। और ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, आपने अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो दयावती मोदी एकेडमी के नाम से भी इनका स्कूल है मेरठ में, तो ये मोदी ग्रुप का ही बेसिकली पार्ट है और वहाँ पे ये वैकेंसीज है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये ईमेल आईडी आप ध्यान से नोट कर लें demg@modiedutech.in, इसके ऊपर आपने अपना सीवी भेजना है। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी है, जो दूसरी पोजीशन है उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये कॉलेज में जो वैकेंसी है वहाँ पे उनको जो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है उनको चाहिए आर्किटेक्चर फील्ड में। उसके अलावा फैकल्टी उनको चाहिए जो बाकी डिसिप्लिन हैं, जिसमें ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और इंजीनियरिंग रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। डिटेल इसमें नहीं दी हुई है, वेबसाइट से हमने ये उनकी नोटिफिकेशन लिया है। ये कॉलेज है वाडियार कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मैसूरू में ये है कर्नाटका। तो कर्नाटका मैसूरू में ये कॉलेज है और 11 नवंबर का ही ये भी नोटिफिकेशन है, यानी कल ये जारी हुआ है। और आपने इसमें वैकेंसीज कितनी हैं इसकी डिटेल नहीं दी हुई है। क्वालिफिकेशन जेनरिक यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए अगर आपने सिर्फ बैचलर्स डिग्री कर रखी है। तो अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं आर्किटेक्चर में और जो एलाइड सब्जेक्ट हैं उसमें, और फिर आपने 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा कम एक्सपीरियंस भी चलेगा उसमें। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो जनरल मेंशन है टीचिंग के बारे में, रेम्यूनरेशन भी लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव रहेगा और आपकी योग्यता पे वो निर्भर करता है। अप्लाई करने के लिए आपने अपना सीवी, जो कि करिकुलम वाइटे, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर आपका जो भी क्रिएटिव और एकेडमिक वर्क्स हैं उनका कोई पोर्टफोलियो आपका जो है वो आपने साथ में भेजना है, और 3 रेफरेंसेस आपने देने हैं, ऑब्वियसली प्रोफेशनल रेफरेंसेस जिनके साथ आपने कभी काम करा हो और जिनको अगर फोन करा जाए तो वो आपके बारे में बता सकें। तो ये चीज़ें आपने भेजनी है 25 नवंबर से पहले आपने भेजना है। 12 तारीख है आज, 13 दिन का इसमें टाइम है अभी। और प्लीज एड्रेस योर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, WCFA मैसूरू, ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये आप हेडिंग में भी डाल सकते हैं और जब आप सब्जेक्ट में टू द प्रिंसिपल WCFA मैसूरू करके लिख सकते हैं। ये आपने ईमेल करना है resume@wcfa.ac.in पर। 25 नवंबर लास्ट डेट है, वेबसाइट इनकी ये है wcfa.ac.in। उसके जो लैंडिंग पेज है, जो होम पेज है, वहीं पे थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन फैकल्टी पोजीशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा जो अभी अभी हमने आपको दिखाया है। तो होप ये यूजफुल रहेगा आपके लिए, और वी विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।